जैसे कि हमने यहाँ की करामत सुनी थी कि ये जो पेड़ है इसमें शक्कर बरसती है, हाँ शक्कर बरसती है इसमें, मोहरम से लेके 1 तारीख से 10 तारीख तक गिरती है इसमें शक्कर मोहरम मतलब की। पे शक्कर की क्या करामत है? सरकार की करामत ये है, जो गूंगा जो बच्चा आता है वो बोलता नहीं, उसको यहाँ शक्कर चटाना पड़ती है 7 मरतबा। ये डे के लजब में 18-19 के अंदर बनती है ये सरकार की तलवार। ये आपकी तलवार है जंग करीबी, आपने सरकार ने तलवार है, बहुत पुरानी तलवार है। सब्सक्राइब कीजिए हजरुल रहमो चैनल को और इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हजरुल, आप देखा हजरुल रहमो चैनल। दोस्तों अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ अजमेर शरीफ में और आज मैं आपको हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज्यारत कराऊंगा और आप हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज्यारत के लिए कैसे आएंगे, हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ अजमेर शरीफ में कहाँ पर है, इंशाल्लाह आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता जिस रास्ते से ज़ायरीन ताड़ागढ़ गाड़ियों से जाते हैं उसी रास्ते के बिल्कुल ही करीब में से ये रास्ता हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ ये रास्ता आ रहा है। इस रास्ते से ज़ायरीन गाड़ियों से हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आते हैं। दोस्तों अभी हम हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ जा रहे हैं और ये आप रास्ते का मंजर देख सकते हैं। अभी हम हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जिस रास्ते से ज़ायरीन गाड़ियों से जाते हैं अभी हम उसी रास्ते से हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ जा रहे हैं। ये आप मंज़र देख सकते हैं, रास्ते का काफ़ी खूबसूरत मंज़र है दोस्तों रास्ते का। दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं अभी हम इस रास्ते से आए हैं और अभी हम इस तरफ से हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जाएंगे। ये आप रास्ते का मंज़र देख सकते हैं दोस्तों, ये रास्ता हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है और इस रास्ते से ज़ायरीन गाड़ियों से हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आते हैं। हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जो ज़ायरीन पैदल आते हैं वो रास्ता अलग रास्ता है। ज़ायरीन हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए पैदल अलग रास्ते से आते हैं, ये रास्ता गाड़ियों का रास्ता है और ये आप पहाड़ियों का मंज़र देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत मंज़र है दोस्तों पहाड़ियों का। अभी हम हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए इस तरफ से जाएंगे। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है। दोस्तों अभी हम हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के करीब में पहुंच गए हैं। दोस्तों आप ये जो रास्ता देख रहे हैं अभी हम इस रास्ते से आए हैं जो ज़ायरीन हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए गाड़ियों से आते हैं वो ज़ायरीन इस रास्ते से आते हैं और आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं दोस्तों ये रास्ता हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ जा रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरफ है हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ, जो ज़ायरीन पैदल आते हैं वो ज़ायरीन इस रास्ते से आते हैं। अभी मैं आपको आगे की तरफ जा कर के दिखाता हूँ आगे का इस रास्ते का क्या मंज़र है। ये आप हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के करीब का मंज़र देख रहे हैं दोस्तों। ये आप रास्ते का मंज़र देख सकते हैं दोस्तों, इस रास्ते से ज़ायरीन हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आते हैं। ये आप रास्ते का मंज़र देख सकते हैं, इस रास्ते से ज़ायरीन पैदल आते हैं।
ये देख सकते हैं आप रास्ते का मंजर। और अभी हम हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की तरफ जा रहे हैं। आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से ज़ायरीन गाड़ियों से हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आते हैं। दोस्तों अभी हम हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ के बिल्कुल ही करीब में पहुंच गए हैं। अभी हम इस तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह इस तरफ का क्या मंजर है हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये वज़ू खाना है, ज़ायरीन यहाँ पर वज़ू बनाते हैं। और यह है दोस्तों देग, इंशाल्लाह अभी हम आपको देग दिखाएंगे। और इस तरफ वज़ू खाना है दोस्तों, यह है दोस्तों वज़ू खाना, ज़ायरीन यहाँ पर वज़ू बनाते हैं। और यह है देग, यह आप देग को देख सकते हैं, अभी हम देख के बिल्कुल ही करीब में हैं। यह है हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ। इंशाल्लाह अभी हम दरगाह शरीफ में जाएंगे और हम आपको हज़रत के पूरे दरगाह शरीफ की ज़ियारत करवाएंगे। ये हज़रत की दरगाह शरीफ का गेट है, इंशाल्लाह अभी हम हज़रत की दरगाह शरीफ की ज़ियारत के लिए इसी गेट से हज़रत की दरगाह शरीफ में जाएंगे। हेलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आप हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का मंज़र देख सकते हैं। अभी हम दरगाह शरीफ में आ गए हैं। दोस्तों अभी हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊपर से हज़रत की दरगाह शरीफ का कैसा मंज़र दिखता है हम आपको दिखाएंगे। ये आप हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का मंज़र देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है दोस्तों, हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ का आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम यहां से हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ में फूल पेश करने के लिए अभी हम यहां से ले लेंगे। दोस्तों हमने यहां से फूल ले लिया है और अभी हम हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ये आप हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह
के आस्थाना है मुबारक का मंज़र देख सकते हैं दोस्तों। अभी हम हज़रत के मज़ार मुबारक में फूल पेश करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों आप हमारी वीडियो के ज़रिए से हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की ज़ियारत कर सकते हैं। अभी तरुण भाई हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक में फूल पेश कर रहे हैं आप देख सकते हैं, और हमारे ग़ुलाम भाई हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक में फूल पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों हम यहाँ पर तीन लोग आए हैं, हमारे साथ में तरुण भाई आए हैं और हमारे साथ में ग़ुलाम भाई आए हैं, और तरुण भाई ने और ग़ुलाम भाई ने हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक में चादर और फूल पेश कर दिया है, और अभी हम हज़रत के मज़ार मुबारक में इंशाल्लाह फूल पेश करेंगे। आइए आप दोनों भाई है हज़रत इमाम तकी हज़रत इमाम नकी मीरा साहब हुसैन के मामू है भांजे साहब पर तारागढ़ पे। ये शक्कर का पेड़ है जो मोहर्रम में शक्कर गिरती है। आपके जो मुँह में जो बच्चे जो बोलते हैं नहीं वो गूंगे होते तो यहाँ पे बोलने लग जाते बच्चे आपकी दरगाह पे। तो सरकार की अम्मी की मज़ार है पीछे में, बी फातिमा की दरगाह है आपकी। ये अभी भी शक्कर गिर ली है इसके अंदर से, मोहर्रम में एक बार गिरती है, साल में एक बार गिरती है, अभी भी चीनी गिरती होगी पेड़ में से, पूरा भरा रहता है अभी तक भरा हुआ, नीचे तक पूरी गिरती रहती है जमीन में। ये सरकार की अम्मी बीवी फातिमा की दरगाह है आपकी। सरकार की अम्मी बीवी फातिमा की दरगाह है। ये सरकार का नगारा बसता है, लोसनी होती है सरकार की, नगारा बसता है शाम को 6 बजे बसता है आपकी नगारा। ये सरकार का जो बनाया हुआ तुरबत बनाया, ये ऊपर बनाया तो उसको 2-2.5 साल हो गया इसको बनाए हुए। यहाँ पे शिला लोसन होते हैं, यहाँ बच्चे तराजू में तुलते हैं, जिसकी मन्नत पूरी रहती है सरकार मिला के जो फल मिलता है उलाद होती है, जो बच्चा ला के यहाँ तराजू में तोलता है। बाहर में शहीदों की मज़ार है, बाप पीछे में सैयद जलाल अजमेरी की दरगाह है। आपके बड़े भाई ये सरकार के, इनकी तलवार भी अंदर सरकार की मौजूद है, झंकरी भी आपने अंदर सैयद जलाल अजमेरी की दरगाह है। ये आपके सैयद जलाल अजमेरी सरकार है, सैयद जलाल अजमेरी की दरगाह है। आपके बड़े भाई ये खलजन के भाई है। सामने मामू वांजे साहब की दरगाह आ जाएगी, सरकार के साथ में आए उनकी दरगाह आ जाएगी। वो सामने हरा गेट है, उसमें मामू वांजे की गेट है। ये मामू साहब की दरगाह है। ये मामू साहब की दरगाह है। मामू और भांजे साथ में आते सरकार के साथ में, इनके मजारे यहाँ बने। आपको बाहर के अंदर की तलवार की जात कराएंगे, सरकार की तलवार है, बहुत पुरानी तलवार है आपकी, झंकरी भी। ये अंदर मस्जिद है, अजान होती है, नमाज होती है यहाँ पे सरकारी। यहाँ पे सब शहीदों की, दादा लोगों की है, परदादा की है, सब शहीदों की याद है इसमें। ये अंदर 12,000 फौज की मज़ार आपके सरकार के साथ में आए थे, इनको कोई गिनता नहीं, इसको गिनता आगे बढ़ जाती है, पीछे हो जाती है। ये सब इधर मज़ार है पूरे में, ये डेग है जब मैं 18-19 के अंदर बनती है। ये सब शहीदों की मज़ार, जैसे अपने एक लाइन दो लाइन गिनते हो उसमें कम पड़ जाती है, वो आगे बढ़ जाती है, सब शहीद की मज़ार है। ये सब फौज सरकार की आपकी झंकरी भी है, सब मज़ार है, सब शहीद की है। 12,000 फौज आपकी सरकार की, जो पहाड़ में सामने पहाड़ पे दिख रहा है दुर्बे सली की दरगाह सामने, वो सबसे ऊंचा पहाड़ पे जो झंडे लहरा रहे वो दोसन दुर्बे सली की दरगाह। अब सरकार की तलवार की याद करा देते आपको,
सरकार ने अपने हाथ से जंग करी थी, जंग की जो तलवार है जो भी भला है सारी मुसीबत आती है सब ये कर जाती है। ये गेट है, वेन गेट है, वो गेट है, इधर गेट है पीछे, उधर पांच पैर की दरगाह सरकार के बाजू के अंदर। ये पांच पैर की दरगाह आपके सरकार के पाँव के नीचे मजार है पांच पैर की, ये आपके पांच पैर की है, इसको थोड़ा अच्छा बनाया। ऊपर से बावड़ी दिखाएंगे, पानी की भर जाती थी पहले, सब पानी सूख जाता उसके। ये बावड़ी है जो पानी जो बरसात का पानी आता था उससे हम पानी या पानी पीते थे, गुजारा इससे होता था पानी से, माशाल्लाह। बरसात जो आती थी पानी को उसके बावा के अंदर ही काम में लेते उसको। हमारे यहाँ पे पीढ़ी हो गई है, सात भी आठ भी पीढ़ी चल रही है सरकार का क्रम में, यहाँ में किस्मत गुजार है सरकार के, अपन आपकी तलवार की इजाद करा देंगे आराम आराम। और आप तलवार की दिखा देते हैं आपको सरकार, वो सद्दम भाई ये सरकार की तलवार है, ये आपकी तलवार है जंग करी भी आपने, सरकार ने तलवार है बहुत पुरानी तलवार है। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम है अरबाज है, अरबाज खान मेरा नाम है। दरगाह शरीफ का दरगाह नाम, सरकार का नाम है हजरत तकी हजरत नकी, दोनों भाई है ताका सैयद। जैसे कि हमने यहाँ की करामत सुनी थी कि ये जो पेड़ है इसमें शक्कर बरसती है। हाँ शक्कर बरसती है, इसमें मोहरम से लेके एक तारीख से दस तारीख तक गिरती है इसमें शक्कर। मतलब की शक्कर की क्या करामत है? सरकार की करामत ये है जो गूंगा जो बच्चा आता है वो बोलता नहीं, उसको यहाँ शक्कर चटाना पड़ती है सात मरतबा, उसको इंशाल्लाह सरकार हिम्मत देती है उसको थोड़ी। मतलब शक्कर भी एक करामत है जो बोल नहीं पाता जो हकलाता है, तो शक्कर चटाने से उसकी जवान सही हो जाती है, मतलब सही तरीके से बोल पाता है। ये शक्कर गिरने का जो लाइव शक्कर गिरने का दिन है वो कौन सा है? ये अपने मोहरम के टाइम में गिरती है। मोहरम के कौन से दिन? मोहरम की पहली तारीख से चांद दिख जाता ना मोहरम का, जब से गिरने की जाती है। और ये जो पेड़ के ऊपर मन्नत है, ये मन्नत जो हिसाब से जो सरकार के जो मन्नत पूरी नहीं होती है उसके आपके नाम के धागे बनते जाते हैं, चादर के फूल के जो भी मन्नत पूरी होती है आपके धागे यहाँ पे खुल जाते हैं, माशाल्लाह। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जो भी अर्जी बर्जी सब बनी सरकार के पेड़ में से, मुहर्रम शरीफ के महीने में इस पेड़ में से शक्कर यहाँ पर बरसता है। और यहाँ पर ज़ायरीन काफ़ी दूर दूर से आते हैं हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक की ज़्यारत के लिए, और ज़ायरीन यहाँ पर मन्नत के धागे बांधते हैं और अपनी अर्ज़ियाँ यहाँ पर पेश करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये अर्ज़ी हैं जो ज़ायरीनों ने हज़रत तकी हज़रत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश की है। और हज़रत के मज़ार मुबारक के बिल्कुल ही करीब में हज़रत की वालिदा का मज़ार मुबारक है, ये आप देख सकते हैं ये सामने हज़रत की वालिदा का मज़ार मुबारक है, आप ज़ियारत कर सकते हैं हमारी वीडियो के ज़रिए से। ये हज़रत की वालिदा का मज़ार मुबारक है,
दोस्तों मैंने आपको हजरत तकी हजरत नकी सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की जियारत करा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो के बारे में कुछ बोलना है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी पहुँचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए, मैं वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट करता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट शो में, जब तक के लिए बाय बाय।